हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 9th क्लास हिंदी कुमार भारती का जो फोर्थ वाला चैप्टर है शौर्य, उसका यहाँ पे कंप्लीट जो स्वाध्याय है, संपूर्ण स्वाध्याय है, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला अगर आप प्रश्न देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास श्रीमान योगी का अंश पढ़िए, कृति दिन के समारोह में प्रस्तुत कीजिए, ओके, क्रांति दिन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श्रीमान योगी के कुछ अंश यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं, ओके। इनके अलावा भी बहुत सारे जो अंश है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही दो तीन ही जो अंश है वो आपको यहाँ पे उल्लेखित करके दिए गए हैं, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत अंग है आपको जो श्रीमान योगी का उपन्यास है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसके अंदर से कोई भी एक अंश लीजिए और उसके बारे में आप बताइए, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो जो है आपका नया वाला प्रश्न जिसमें आपको पूछा गया है कि कवि कुसुम कुसुमरा गर्ज लिखित गर्जा महाराष्ट्र माझा ये गीत समूह में प्रस्तुत कीजिए, ओके। तो यहाँ पे जो गर्जा महाराष्ट्र माझा ये पूरा जो गीत है, ओके, कुसुमा गर्ज का, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमको बहुत टाइम लगा था ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक कविता है वो यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये पूरी कविता आपको पढ़नी है, और ये कविता आपको पढ़ के आपको क्या समझता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है कि महाराष्ट्र के समाज सेवी सेवियों के नाम तथा उनके कार्यों की सूची बनाओ, ओके। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से ऐसे जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जिनको आप जानते हो, उनके नाम और उनके कार्य की जो सूची है आपको बतानी है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में सब कोई जानता है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, ओके, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब आंबेडकर और अन्ना हजारे, जो अभी अभी आप देखोगे कि 2009-10 में जो आंदोलन हुआ था, ओके, उसमें वो लोकपाल वाला जो बिल था उसमें वो बहुत ज्यादा सहभागी थे दिल्ली के अंदर। उसके बाद सरोजिनी नायडू थे, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपने समाज सेवियों के रूप में महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे जो काम है वो किए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य संबंधी वीर रसपूर्ण पोवाड़ सुनाइए, ओके। तो यहाँ पे आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके शौर्य संबंधी जो पोवाड़ा है वो आपको यहाँ पे सुनाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वो लिखने का ट्राई किया है और हमने लिखा भी है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे और एक कुशल शासक थे, और उनके साम्राज्य के खिलाफ जो उन्होंने दूसरों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, जो अंग्रेज थे, ओके, या फिर जो मुगल थे, ओके, उनके खिलाफ जो विद्रोह किया था, उनको मारा था, तो उसी को लेके यहाँ पे उनके वीरपना के रूप में वहां पे जो एक पोवाड़ा होता है महाराष्ट्र के अंदर, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको सुनाने के लिए कही गई है, ओके। तो ये आप पोवाड़ा को देख सकते हैं जिसको हमने कंटिन्यू किया है ताकि आपको पूरा जो पोवाड़ा है वो आपको मिल सके, ओके। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि महाराष्ट्र के प्रमुख गढ़ किलों की जानकारी प्राप्त करो, ओके। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में आप देखोगे कि अनगिनत किले हैं जो शिवाजी महाराज द्वारा या फिर जो अनगिनत राजा हुए हैं उनके द्वारा विस्थापित किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से किले हैं, जैसे रायगढ़ का किला हो गया, सिंधुदुर्ग का किला हो गया, उसके बाद पुरंदर का किला हो गया, राजगढ़ किला हो गया, सिवर्धन किला हो गया, ओके, ऐसे बहुत सारे किले हैं। अगर आप ये कुछ नाम है जो जाने माने किले हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे जो किले हैं और भी देखने के लिए मिलेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भारत भूमि वीरों की भूमि है, इस विचार को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, ओके। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे जो महान वीर हैं जैसे महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था, ओके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो आंसर के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता है, जिनको शामिल नहीं किया जाता है अगर आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर, तो ये जो गलतियां हैं वो गलतियां बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे इस चीज को सुधारा जा रहा है। हमें सिर्फ वही चीज पढ़ाया जाता था जो पॉलिटिशियन हमें पढ़ाना चाहते हैं, ओके, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश की ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो आज के टाइम पे आपको पुस्तकों के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है, ओके। लेकिन पहला जो एक सेलेक्टेड टॉपिक रहता था जो मुगल ने ये किया वो किया, लेकिन भारत में जो राजाओं ने उन्होंने क्या क्या किया, भारत में ऐसी बहुत सारी
जो ऐसी कलाएं हैं जिनको आप एज्यूम नहीं कर सकते, जो आप जिसकी कल्पना है नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भारत में जो बने हुए मंदिरें हैं वो मंदिरों को एलियन ने बनाया है, क्योंकि वो ढांचा बनाना इम्पॉसिबल है इंसान के लिए। तो आप सोच सकते हो ऐसा चीज है आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट जो प्रश्न आपको पूछा है कि पाठ के आंगन में, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कृति है उसको पूर्ण करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले आपको जो संजाल दिया गया है वो है आपका दावा इन पर है। तो दावा किन पर है, यहाँ पे आप चार जो प्रश्न है उत्तर है उनका देख सकते हैं। यहाँ पे गरुड़ का दावा नागों के समूह पर है, सिंह का दावा हाथियों के समूह पर है, बाज का दावा सभी पक्षियों के समूह पर है, और शिवाजी का दावा बादशाही पर है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें आपको पूछा गया है कि पद्य में प्रयुक्त दिशाएं, तो इसके अंदर कौन कौन सी दिशाएं हैं आपके पोयम के अंदर, तो पूर्व पश्चिम, ओके, और उत्तर और दक्षिण। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं कि इसमें दिए गए शब्द के वर्णों का उपयोग करके छह अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। ओके, तो यहाँ पे लोह पत गामिनी ये एक शब्द दिया है, इसका इस्तेमाल करके आपको जो छह अलग अलग इसी से रिलेटेड जो अर्थपूर्ण शब्द है वो आपको तैयार करने हैं, यानी एक बड़े शब्द से छह अलग अलग जो छोटे शब्द होते हैं उनको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका गामिनी, मिनी, पगा, गाह, पथ, लोह। ओके, तो ये छह शब्द यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि पाठ से 20 शब्द लेकर उनके वर्ण क्रमानुसार लिखिए। ओके, तो आपको क्या करना है कि पाठ में ऐसे जो 20 शब्द हैं जो वर्ण के अनुसार है, वर्ण के कर्मों के अनुसार है, उसको आपको लेना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है अगर उसको देखें तो इसमें आपको पूछा गया है कि जीवन में साहस जरूरी है, इस पर आपके विचार लिखिए। ओके, तो अगर आपको जीवन बहुत सरल तरीके से अगर आपका जीवन चल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल वाला नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं उनको एक्चुअली में बहुत ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो होती है, सहनी पड़ती है आगे जाके, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक ही जगह बैठे रहोगे आपका तन मन सब आपका खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप वही काम करते रहते हो करते रहते हो तो आपका मन भी लगा रहता है और आपका दिमाग बुद्धि सारी चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग काम करती रहती है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर आपके जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डेयरिंग वाला काम करते रहना पड़ेगा। आपको कोई चीज ऐसे है जो बिना साहस के नहीं हो सकती, तो आपको साहस लेना पड़ेगा और साहस के साथ सारे कार्य को संपूर्ण करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा एक स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए। ओके, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।